पुलिस की गिरफ्त च मूँह ते नकाब पाई तुरे आउंदे नौजवान लोगों के मुंडियां दा बेड़ा गर्क कर रहे सी। हुण तुसी सोच रहे होंगे भला ओ किवें लोगों के मुंडियां दा बेड़ा गर्क आखिर किवें कर रहे सी। असल च नौजवानां नूं नशा वेचदे सी, मामा दे पुत्तां नूं गलत राह पाउंदे सी। सुभाविक जी गल है कि ये आप भी नशे करदे होणगे, पर इन्हां दा पर्दाफाश उदों होया जदों बीती देर रात इन्हां नौजवानां नूं बठिंडा पुलिस ने काबू कर लिया। फड़े गए नौजवानों की पछाण सुरजीत सिंह वासी तुंगाली और कुलविंदर सिंह पिंड वासी द्योल वजो हुई है, जिन्हों को लखा रुपए की ड्रग मनी और हैरोइन समेत 32 बोर पिस्टल 2 कारतूस बरामद किए गए। तुसी कुछ हैरोइन फड़ी है ते पिस्टल फड़े, कौन लोग ने ये कितों फड़े ने ते? अज बठिंडा पुलिस नू नशा तस्करों के खिलाफ एक वड्डी कामयाबी मिली है। CAA स्टाफ 2 बठिंडा वालों अज ASI जरनैल सिंह ते ASI गुरसेवक सिंह ये दो जिहड़े ये थानेदार ने पूस मंडी के कोल फाटकां दे कोलों एक दो बंदियां नूं काबू कीता है। तो काबू की करके उन्हां तों 500 ग्राम हैरोइन, 3,30,000 रुपया ड्रग मनी ते एक नजायज़ असला 32 बोर दा समेत 2 कारतूस बरामद किया। उन्हां दे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है। दोषियों के नाम है सुरजीत सिंह है, ये तुंगाली पिंड तों है, तो एक कुलविंदर सिंह है, ये दियोन पिंड तो है। बाकी हले मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन जारी है, शायद ये कोई होर भी इन्हों जी दोषी हो गए तो उन्होंने भी असं जल्द काबू करा। नहीं, ये बारे हले इन्वेस्टिगेशन असं कर रहे हैं तो ये कितों लेके आए ने, अगे इन्होंने कितने कितने सप्लाई करना है, लेकिन काफ़ी वीड्डी रिकवरी की है तो इन्हें साढ़े पुलिस CS2 की बड़ी वीड्डी प्राप्ति है। हाँ, ये फिलहाल यही सानू इन्वेस्टिगेशन आया भी ड्रग मनी है, कुछ समाने ने सेल किया हो सकता तो अगे इन्होंने होर सप्लाई करने वास्ते माल लेना होगा, ये बारे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पिस्टल फड़ा गया जी, ये नजायज़ पिस्टल है जी, 32 बोर है, कोई लाइसेंसी पिस्टल नहीं है। ये बारे भी असं 2558 का मुकदमा ये नाल ही दर्ज किया। किन्नी क एज दे लोग ने जी? ये यंग है जी मुंडे। हाँ, हले क्योंकि असी रात ही बड़ लेट रात मुकदमा दर्ज होया, ये बारे सारी डिटेल तुहानू असी काली च प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इनफॉर्मेशन दे रहे हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन दौरान सारे मैटर सामने आऊ। नहीं, नशा तस्कर है कोई गैंग वाली हले गल सामने नहीं आई, फिर भी इन्वेस्टिगेशन करांगे, पुलिस रिमांड लवांगे ते जे कोई गल हुई ते ओह वी देखांगे। पुलिस की गिरफ्त च मूँह ते नकाब पाई तुरे आउंदे नौजवान लोगों के मुंडियां दा बेड़ा गर्क कर रहे सी। हुण तुसी सोच रहे होंगे भला ओ किवें लोकां दे मुंडियां दा बेड़ा गर्क आखिर किवें कर रहे सी। असल च ये नौजवानां नूं नशा वेचदे सी, मामा दे पुत्तां नूं गलत राह पाउंदे सी। सुभाविक जी गल है कि ये आप भी नशे करदे होणगे, पर इन्हां दा पर्दाफाश उदों होया जदों बीती देर रात इन्हां नौजवानां नूं बठिंडा पुलिस ने काबू कर लिया। फड़े गए नौजवानों की पछाण सुरजीत सिंह वासी तुंगाली और कुलविंदर सिंह पिंड वासी द्योल वजो हुई है, जिन्हों को लखा रुपए की ड्रग मनी और हैरोइन समेत 32 बोर पिस्टल 2 कारतूस बरामद किए गए। तुसी कुछ हैरोइन फड़ी है ते पिस्टल फड़े, कौन लोग ने ये कितों फड़े ने ते? अज बठिंडा पुलिस नू नशा तस्करों के खिलाफ एक वड्डी कामयाबी मिली है। CAA स्टाफ 2 बठिंडा वालों अज ASI जरनैल सिंह ते ASI गुरसेवक सिंह ये दो जिहड़े ये थानेदार ने पूस मंडी के कोल फाटकां दे कोलों एक दो बंदियां नूं काबू किया है। तो काबू की करके उन्हां तों 500 ग्राम हैरोइन, 3,30,000 रुपया ड्रग मनी ते एक नजायज़ असला 32 बोर दा समेत 2 कारतूस बरामद किया। उन्हां दे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है। दोषियों के नाम है सुरजीत सिंह है, ये तुंगाली पिंड तों है, तो एक कुलविंदर सिंह है, ये दियोन पिंड तो है। बाकी हले मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन जारी है, शायद ये कोई होर भी इन्हों जी दोषी होणगे तो उन्होंने भी असं जल्द काबू करा। नहीं, ये बारे हले इन्वेस्टिगेशन असं कर रहे हैं तो ये कितों लेके आए ने, अगे इन्होंने कितने कितने सप्लाई करना है, लेकिन काफ़ी वीड्डी रिकवरी की है तो इन्हें साढ़े पुलिस CS2 की बड़ी वीड्डी प्राप्ति है। हाँ, ये फिलहाल यही सानू इन्वेस्टिगेशन आया भी ड्रग मनी है, कुछ समाने ने सेल किया हो सकता है तो अगे इन्होंने होर सप्लाई करने वास्ते माल लेना होगा, ये बारे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पिस्टल फड़ा गया जी, ये नजायज़ पिस्टल है जी, 32 बोर है, कोई लाइसेंसी पिस्टल नहीं है। ये बारे भी असं 2558 का मुकदमा ये नाल ही दर्ज किया। किन्नी क एज दे लोग ने जी? ये यंग है जी मुंडे। हाँ,
ਚੁੱਕੜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਹੀ ਬੜ ਲੇਟ ਰਾਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਵਾਲੀ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਕੀਕੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ